मोदी सरकार ने एक महिला अधिकारी को रातों रात इंडिया बुला लिया। वो अमेरिका में तैनात थी। इस बात को लेकर पूरे देश में उनकी चर्चा है। इनका नाम है करुणा गोपाल। करुणा की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की प्रमुख सलाहकार है। पीएम मोदी की सरकार ने खुद भारत में होने वाले इस कार्य के लिए करुणा को इनवाइट किया है। करुणा की तमाम उपलब्धियों के पीछे उनका संघर्ष है। कैसा रहा करुणा का संघर्ष? जब करुणा 14 साल की थी तब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्लिनिकली उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन वे फिर जी उठी। इसके बाद पढ़ाई पूरी कर वे NIIT में बतौर फैकल्टी पढ़ाने लगी, साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम भी करने लगी। 1991 में इनकी शादी गोपालकृष्ण से हो गई। बता दें कि शादी के एक साल बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम विक्रम है। विक्रम के 2 साल का होते ही करुणा समझ गई थी कि उनके बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जब पता चला कि बेटे को ऑटिज्म की तकलीफ है तो करुणा का पूरा जीवन ही बदल गया। गोपाल और करुणा अच्छे परिवारों से हैं। उन्होंने कुछ समय काम बंद कर दिया, लेकिन काम तो करना था, तो रात में जब बेटा सो जाता तब काम करती। तब एक करीबी से पता चला कि इस तरह के बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। तब विक्रम की रुचि जानकर उसे पेंटिंग की ओर आगे बढ़ाया। आज विक्रम बहुत अच्छा पेंटर है, कई देशों में बना चुकी है स्मार्ट सिटी का डिजाइन। करुणा ने अपने घर से ही काम करना शुरू किया था। 1990 के दशक में उनके साथ वर्चुअल टीम थी। यही ने करुणा के जीवन में बदलाव आया। वे एडवाइजर के रूप में काम करने लगी। करुणा ने अमेरिका, सिंगापुर और वियतनाम आदि देशों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डिजाइन के प्रस्ताव आए और वे काम करने लगी। अपने इस काम की वजह से वे वेंकैया